सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय हिंद मिला सलाम। साथियों, मैं आज आप लोगों से बात करने के लिए आया हूँ। जो लोग देश की बात करते हैं वही लोग देश का जो हमारा झंडा है उसी से अपने मुंह को पोछते हैं, अपने मुंह के पसीने को पोछते हैं। आपको दिखाना चाहता हूँ, आप तस्वीर में देखिए, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो अपने मुंह को पोछते हुए नजर आए भारत के झंडे से। अब आपको बताना चाहता हूँ, क्या उनके लिए कोई गमछा नहीं था, क्या कोई और चीज़ नहीं था जो वो भारत के झंडे से ही पोछ सकते थे और किसी चीज़ से नहीं पोछ सकते थे? तो आप लोग को सोचना पड़ेगा कि वोट जब लेने की बात आती है तो ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और जब वोट नहीं लेना रहता, जब जीत जाते हैं उसके बाद भारत का कभी अपमान करेंगे, भारत के झंडे के साथ कभी अपमान करेंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी बीजेपी के जो नेता हैं वो लोग क्या करेंगे, अपशब्द का प्रयोग करेंगे। तो आप लोग इस चीज़ को समझिए साथियों, कि हमें कैसा प्रधानमंत्री चुनना है, कैसा हमें सांसद चुनना है। ये पूरे देश का अपमान माननीय प्रधानमंत्री जी किए हैं। आप लोग ये इस बात को सोच सकते हैं कि भारत के जो मतलब जो भारत का झंडा होता है, अगर भारत का झंडा अगर कोई अपमान करता है तो उसके लिए उसकी सज़ा होती है, लेकिन हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं खुद अपने मुंह को पोछते हुए नज़र आए। आप लोग मतलब मेरे ऐसा नहीं है कि मेरे पास वीडियो नहीं है उसके, मतलब क्या ना, फ़ोटो नहीं है, फ़ोटो भी है आप लोग को, ये ऐसा नहीं है कि उसको एडिट करके बनाया गया, वो हकीकत है वो फ़ोटो। आप लोग उस फ़ोटो को देखिए, और आपकी बार आप लोगों को इस चीज़ में मतलब करना है कि ऐसा कोई प्रधानमंत्री चुनना है जो हमें, हम बेरोज़गारों को रोज़गार दे सके, और जो हमारे देश में जो घटनाएँ हो रही हैं उस पर पूरा जोर दिया जाए कि ये सब घटनाएँ ना हो, जो हमारे नौजवान जो शहीद हुए हो रहे हैं ये भी बंद हो, ऐसा हमें प्रधानमंत्री चुनना है। तो आप लोग सोच सकते हैं, जो भारत के झंडे का अपमान कर सकते हो वो इस देश का क्या करेंगे। तो सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम मिला सलाम। इस मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। जय भीम।